नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया। आज मैं बात करने वाली हूं रोलैंडो के बारे में। रोलैंडो हैज जॉइंड अल नसर आफ्टर मूविंग टू द मिडिल ईस्ट एज अ फ्री एजेंट एज द 37 इयर्स ओल्ड गेट्स रेडी टू एम्बार्क ऑन अ न्यू जर्नी। 37 इयर्स के रोलैंडो को मिलेगा $75 मिलियन पर ईयर, जो हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट पेड फुटबॉलर होंगे। पर कोच ने बताया, फर्स्ट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग मेसी फ्रॉम डोहा, द कोच जोक्ड बिफोर रोलैंडो ट्रांसफर टू द सऊदी अरेबियन क्लब हैड बिकम ऑफिशियल। एक्चुअली कोच मेसी को अल नसर में लेना चाहते थे, ये बात कोच ने जोक करते हुए कहे। आगे देखते हैं क्या होता है, उसकी अपडेट मैं जरूर आगे आपको दूंगी। आगे मैं बात करने वाली हूँ एवेटर 2 द वे ऑफ वाटर के बारे में। एवेटर 2 ने कलेक्ट किया 17.25 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन January 1, 2023। विद दिस इंडिया ने कलेक्ट किया 333 करोड़, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया की कलेक्शन लगभग 367 करोड़ क्रॉस हो सकती है। अगली अपडेट है सुपर खालसा के बारे में। जैसे कि हमें पता है, XYZ चैनल के मेंबर अमित भाई को स्नेक ने काटा था, पर ये न्यूज उन्हें फेक लगी और वो अमित भाई को स्नेक बाइट के दाग को दिखाने के लिए कहे थे, पर अमित भाई ने स्नेक बाइट के दाग को नहीं दिखा पाए। इसी कारण सुपर खालसा ने अमित भाई को स्नेक बाइट वाले वीडियो को डिलीट करने के लिए कहा है और उन्हें सॉरी भी कहने के लिए कहा है। लक्ष्य चौधरी को भी अमित भाई की स्नेक बाइट वाली न्यूज फेक लग रही थी। आगे मैं बात करने वाली हूँ पठान मूवी के बारे में। पठान मूवी का नेम भी चेंज होने वाला है और रिलीजिंग डेट भी, क्योंकि KRK ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखे, टुडे पठान ट्रेलर डज नॉट रिलीज एंड इट्स प्रूव दैट व्हाटएवर आई सेड फ्यू डेज अगो दैट इज ट्रूथ। SRK हैज डिसाइडेड टू चेंज द टाइटल पठान। आई सेड ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट दैट दिस टाइटल इज रॉन्ग बट SRK रिफ्यूज टू लिसन टू मी। Finally, he is forced to listen to me. ऐसे तो पठान मूवी 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, पर अब कब होगी हमें नहीं पता। यदि इसकी अपडेट कभी कुछ मिलती है तो मैं जरूर आपको अपडेट दूंगी। आगे मैं बात करने वाली हूँ ज्ञान थेरेपी चैनल के मेंबर राकेश भाई के बारे में। राकेश भाई ने एक पॉडकास्ट में असनीर ग्रोवर से पूछा, आपको सभी को एलन मस्क से कंपेयर करते हैं। तभी असनीर ग्रोवर ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा वो सुनिए। एक और मैंने ट्विटर पर काफी पढ़ा है, लोग आपको एलन मस्क से कंपेयर करते हैं। यार वो आई थिंक फालतू का कंपैरिजन है, ठीक है कि एक तो इलॉन मस्क को लोगों ने क्यों भगवान बना रखा है, मेरे को समझो बहुत ही सुपर स्मार्ट बंदा है, बहुत ज्यादा उसको धंधा करना भी आता है, उसको लोगों की साइकोलॉजी खेलना भी आता है, जैसा उसने क्रिप्टो के साथ किया। क्रिप्टो दवा के पैसा बना लिया अपने लिए। क्रिप्टो के साथ भी किया। आप तो ग्रेटर नोएडा का प्लॉट है, बट नॉर्मल जनता बह जाती है ना इन बातों में, उनको इतनी समझ नहीं है ना हमारी जैसे। मैं तो समझदार आदमी हूं, बट वो बंदा सुपर स्मार्ट है। राइट, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।